क्यों मनाते हैं भाई दूज, कैसे हुई थी इस त्योहार की शुरुआत, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, इस खबर में हम आपको बताएंगे। दिवाली के ठीक 3 दिन बाद भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। भाई दूज के दिन बहनें भाइयों को रोली का टीका करती हैं और मौली बांधती हैं। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाकर उन्हें नारियल देती हैं। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। मान्यता है कि यदि कोई भाई बहन के घर जाकर भोजन करता है तो वह अकाल मृत्यु से बच सकता है। कहा जाता है कि जो भी भाई बहन यह पर्व पूरे विधि विधान से मनाते हैं तो उनकी किसी दुर्घटना में मृत्यु होने की संभावना कम हो जाती है। ज्यादा जानकारी देते हुए पंडित पंकज जोशी ने बताया कि यम और यमुना सूर्य और उसकी पत्नी संध्या के बच्चे हैं। कहा जाता है कि यम जब यमुना के घर गए तो उनकी बहन ने तिलक लगाया और भाई को भोजन करवाया। यमुना ने भाई यम को इतने अच्छे से स्वागत किया कि भाई यम ने उसे खुश होकर वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान में यमुना ने अपने भाई से कहा कि हर साल आप इस दिन मेरे घर आना। इसी को देख हर भाई बहन ने भाई दूज को मनाना शुरू किया। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के दिन भाई अपनी बहन के घर जाकर टीका लगवाने लगे। आगे सुनिए ज्यादा जानकारी देते हुए पंडित पंकज जोशी ने क्या कुछ बताया। क्या महत्व है इसका? भैया दूज जो होता है कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। उस दिन क्या होता है, भाई अपनी बहन के वहाँ जाता है, तिलक करवाता है और बहन के हाथों का बना हुआ भोजन करता है। उसको करने से क्या होता है, वैसे पौराणिक एक कथा भी इसमें है कि वैसे यमदूत भी, यम द्वितीया तिथि भी इसको बोलते हैं। और यमदूत यमराज का जो लेखक होता है चित्रगुप्त, वो दिन चित्रगुप्त की पूजा भी होती है द्वितीया के दिन। तो इसीलिए जब भैया के भाई अपने बहन के वहाँ जाता है तो बहन के बने हुए हाथों का भोजन करता है तो उससे बहन को तिलक करती है और आशीर्वाद देती है कि दीर्घायु उम्र की उसकी कामना करते मनोकामना करती है कि मेरे भाई की दीर्घायु हो। तो बहन और जब यमराज अपनी बहन के वहाँ गया था तो उसकी बहन ने कई सदियों के बाद अपनी बहन के यहाँ गया था तो बहन के हाथों का बना हुआ भोजन उसने किया और उसने अपनी बहन को वरदान दिया कि जो भी भाई अब द्वितीया तिथि के दिन अपनी बहन के यहाँ जाएगा और उसकी बने हाथों का बना हुआ भोजन करेगा और अपनी बहन ने तिलक करवाएगा उसका आशीर्वाद लेगा तो दीर्घायु अल्प मृत्यु से उसको मुक्ति मिल जाएगी, कभी भी उसकी अल्प मृत्यु नहीं होगी, दीर्घायु उसकी होगी। तो इसीलिए यम द्वितीया भी इसको कहा जाता है और द्वितीया तिथि इसको भैया दूज के दिन दीपावली के जस्ट तीसरे दिन ये भैया दूज होता है और द्वितीया तिथि के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन यह तिथि मनाई जाती है तो इसीलिए भैया दूज कहा जाता है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से लोकल 18 के लिए पवन सिंह कुंवर की रिपोर्ट।